from what a player for King Kohli. वर्ल्ड कप पर आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। ब्रेक से पहले हमने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बड़ा खुलासा किया, आपके सामने वो सारे सबूत रखे जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि वर्ल्ड कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाक का पत्ता साफ हो चुका है वर्ल्ड कप में लगभग, क्योंकि अब एक ऐसा असंभव सा काम उनको करना है यानी कि एवरेस्ट चढ़ना है बिना ऑक्सीजन के। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान में क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान को लोग अभी भी कहते हैं कि एक आउटसाइड चांस है, कोई 250 रन के विक्ट्री मार्जिन से शायद इनको मैच जीतना है बांग्लादेश के खिलाफ टू क्वालिफाई। ये ऐसा ही है कि आप एक इंडिविजुअल से कहें कि चलिए माउंट एवरेस्ट पे आपको जाना है बट विदाउट द ऑक्सीजन मास्क। इतना ही हरक्यूलियन परफॉर्मेंस और टास्क है। सो पाकिस्तान को ये समझना है कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो प्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा, और ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग है इसको गले से फेंकें, इसलिए कि जब तक आप रेगुलर परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे तब तक आप चैंपियन नहीं बन सकते। हिंदुस्तान पहले नंबर पे खड़ा होता और हम चौथे पे खड़े होते तो याद फिर सोचें कि क्या सेमीफाइनल होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये मेरी विशफुल थिंकिंग थी, ये पूरी नहीं हुई, लेकिन आई टोल्ड यू। सो ये जो मैच क्रिएट हुआ है पाकिस्तान की अपनी वजह से हुआ, जो पहला मैच हमारे पल्ले पड़ गया और दूसरा बारिश का, वो अनफॉर्चुनेट वो कुछ कर नहीं सकते। जो ऑस्ट्रेलिया था वो बिल्कुल ही हमने हाथ से गवाया मैच। दर्द बाहर आ रहा है इस समय पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स का। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना असंभव क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि 350 यानी 360 रन से कम बनाते हैं तब वो ऑटोमेटिक टूर्नामेंट से बाहर है। पहले अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हैं, और 360 अगर वो बना भी देते हैं तो फिर उनको बांग्लादेश को 40 रनों के अंदर ऑल आउट करना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का पत्ता किस तरह से साफ नजर आ रहा है। राजकुमार जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, पाक का पत्ता तो साफ है ही, साथ में जो दर्द है पाकिस्तान का वो गाहे बगाहे निकल कर आ जा रहा है, और हर दर्द में हिंदुस्तान का जिक्र जरूर है। बिल्कुल, आप देखिए राजीव, उनके पूर्व खिलाड़ी से लेकर उनके कोच तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत अच्छा खेले, भारत इंग्लैंड को हराए। अरे आप हमारे ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, आप अपनी क्रिकेट सुधारिए, अपना गेम सुधारिए, मैच जीतिए और तब आप क्वालिफाई कीजिए। वैसे तो आप हमेशा भारत की खिलाफत करते हैं और इस चीज़ के लिए आप दुआएं कर रहे थे कि भारत ये मैच जीत जाए और हम किसी तरह कंटेंशन में आ जाएं, तो अब वो सारे दर्द निकल कर सामने आ रहे हैं। राजीव भाई, अगर भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा भी देती तो ये कोई तय थोड़ी ना था कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी उनका एक मुकाबला बचा हुआ है, वो है बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को हराया। एक ही बारी इस विश्व कप में 300 से अधिक का स्कोर चेस हुआ और वो बांग्लादेश ने किया, तो ये नहीं है कि उनको वो वाले दो अंक भी मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका भी, और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। What a knock from what a player.